गाइस इस साइड मस्त बोट है यार, देख सकते हैं मस्त है, शायद वाटर लेवल चेक करने का भी है। और इट साइड तो भाई 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 क्या दिख गया मुझे, अरे वाह। सबसे पहले सैनिटाइज धो लेते हैं। यूपीआ एक्सेप्टेड है, यूपीआ कैश। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, दिस इज निखिल। सो यार आज का सीन ऐसा है कि हम मतलब बोदल का सा जा रहे हैं, यहाँ से अराउंड 41 किलोमीटर है और कंपेनियन एज यूजुअल तुषार है, बट आज एक तुषार का और मेरा भी एक अच्छा ही फ्रेंड है उज्जवल, सो उसे भी हम यहाँ से पिक करने वाले। फिलहाल तो मैं देवाड़ी के ब्रिज पे हूँ। सो यार अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पे माडगी आएगा, वहाँ से हम उज्जवल को पिक करेंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो यार हम फाइनली पिक कर चुके हैं उज्जू को। हाय गाइस, और ये हमारा तुषार। ए तुषार एक्चुअली आज पता है क्या, ये बन चुका है, क्या बोलते हैं उसको, भूत। तो हम बोदल कसा के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। मुझे मतलब मेरी नज़र ना एक कोट पे गई, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब अच्छा है। क्या है, पेड़ को मत काटो भाई, ये करते प्रकृति की भरपाई। सर फाइनली ये मतलब एंट्रेंस देखो कुछ ऐसा है। एक्चुअली यहाँ पे बेस चीज़ क्या लगती है ना, अगर आप एकदम एडवेंचर से आते हैं तो यहाँ पे मतलब दो चीज़ मिलती है आपको, एक देख सकते हैं नागजीरा जो कि राइट की ओर जा रहा है, और उसी में नवेगांव बांध भी है, मतलब कि वो रिसॉर्ट है और नागजीरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आगे जहाँ मतलब हम जिस चीज़ के लिए वो आगे बोदल का सा। कर चुका हूँ मतलब बोदल का सा रिजॉर्ट। सो यहाँ पे मतलब मुझे एक भैया मिल चुके हैं, भैया ने बताया कि मतलब इस साइड राइट की ओर डैम है ना, राइट की ओर डैम है, और इधर क्या है बोले भैया, जीरा। जीरा। सो यार पहले भैया ऐसा सजेशन कर रही कि पहले तुम लेफ्ट की तरफ जाओ, तो दिखाता मैं। ठीक है भैया, थैंक यू। जब भी हम न्यू प्लेस आते हैं ना, तो एक लोकल से कंसल्ट लेना मतलब ज़रूरी समझा करो। क्या होता है ना, अपन फर्स्ट टाइम आते हैं, अपन को उतना चीज़ें पता नहीं रहती, बट ये लोग क्या रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं, मतलब उनका तो बैठना उठना सब यहीं पर रहता है, तो उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना अच्छा ही रहता है। उन्होंने भी बहुत अच्छा सजेस्ट किया। अंदर आने की ओर ना मतलब काफ़ी बड़ी एक लेक जैसा कुछ है, और लेक के बिसाइड में कुछ भैया लोग बैठे हुए कुछ फिशिंग कर रहे हैं, तो वो भी दिखा दूंगा मैं। सो चलते चले। पूजी भाई क्या प्लान था इसका, वानखेड़े जी का? अरे 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 कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, वानखेड़े का ये था वो एम कर रहा है कि हो जाते मतलब 26-27 साल के बाद शादी करके भी इधर ही बसने बोलते हैं। अरे जहाँ पे मैं आया हूँ ना, वहाँ एक रिसोर्ट है गाइस, लिटरली एकदम काफी मस्त है, दिखाता मैं मस्त। लेकिन वो भैया जो लोकल जो स्टार्टिंग में मिले थे ना, वो ऐसा उनका ऐसा कहना है कि सच में थोड़ा महंगा है, मतलब थोड़ा कॉस्टली जाते हैं हर चीज़, अगर आप चाय पीना नाश्ता करना है तो बहुत कॉस्टली जाती, बोला उन्होंने। दिख रहा है, चलो हम लोग एक राउंड लगा के आ ही जाते हैं ना वहाँ से भी। क्यों, क्या बोलता है उज्जवल तू? बिल्कुल भाई बिल्कुल, यस। तुषार बोल रहा है मेरे को भी इंक्लूड करो, बेचारा तुषार एक्सक्लूड हो जाता है हमेशा। बचपन में टीचर वही बोलता था, भाग ले बेटा वरना पीछे रह जाएगा, आज वही हो रहा है। भी एनवायरमेंट एक्चुअली ट्रैकिंग से कम नहीं है, क्या बोलती पब्लिक, बड़े तकलीफ। अरे वाह, आओ के कुछ लोकल्स मिल गए थे, बहुत राउडी वाले हैं यार, तो ऐसे जब नए जगह जाते तो फालतू पंगे नहीं लेने का, उनके साथ एंटरटेन करने का। गाइस मैं बता रहा ना, 15 मिनट से ज्यादा हो गए हम मतलब ये जगह छोड़ने के लिए खाली ही नहीं है, लिटरली बोल रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार एकदम, मतलब पीस है,
सेकंड चीज बताऊँ क्या, वेदर का ये मेरा में बेनिफिट, एक्चुअली वेदर भी काफी अच्छा है। जब भी हम आए थे ना ऐसा नमी नमी कुछ था, और अभी भी हवा चली रही मेरे पीछे देख सकते हैं। धूप रहना चाहिए लेकिन मौसम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है लिटरली। फाइनली रिसोर्ट में एंट्री मारने की बारी आ चुकी है, सो एंटर करते हैं। पहले तो सबसे पहले वही पूछेगा यार, अगर UPI होगा तो ही हम चाय पी पाएंगे, वरना कैंसर। अंकल UPI एक्सेप्टेड है? UPI कैश? यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो चुकी है, ऑनलाइन एक्सेप्टेड नहीं है, जो भी मतलब लेन देन होगा ओनली ऑन कैश। कोई नहीं, इफ़ यू लाइक द वीडियो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ डू इट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।